सीएम शिवराज के सामने रामायण के हनुमान, जाने कांग्रेस की पहली लिस्ट में कितने नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रामायण सीरियल में भगवान हनुमान की भूमिका निभाने वाले विक्रम मस्ताल को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की भांति कांग्रेस ने भी गंभीरता दिखाते हुए इस चुनाव में अपने दिग्गज मैदान में उतार दिए हैं। छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी एक महीने पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है, जबकि अभी कई नाम होल्ड पर हैं। इसी तरह कांग्रेस ने भी आज अपनी पहली सूची जारी की है। पहली सूची में कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। छिंदवाड़ा से लड़ेंगे कमलनाथ। इसी सूची में श्योपुर से बाबू जंदेल, विजयपुर से रामीवास रावत, सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा, जौड़ा से पंकज उपाध्याय, अटेर से हेमंत कटारे, लाहौर से डॉक्टर गोविंद सिंह, मेहगांव से राहुल भदौरिया, ग्वालियर रूरल से साहब सिंह गुर्जर, ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार, ग्वालियर साउथ से प्रवीण पाठक, भितरवार से लखन सिंह यादव, डबरा से सुरेश राजे, सेवदा से घनश्याम सिंह, भांडेर से फूल सिंह बरैया, दतिया से अवधेश नायक, करेरा से प्रागी लाल जाटव, फोहारी से कैलाश कुशवाहा, शिवपुरी से केपी सिंह, पिछौर से शैलेंद्र सिंह, छिंदवाड़ा से कमलनाथ राव से जीतू पटवारी, काला पीपल से कुणाल चौधरी सहित अन्य प्रत्याशी शामिल हैं। सीएम के गढ़ में 3 प्रत्याशी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की 4 विधानसभाओं में से कांग्रेस ने 3 पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसमें कांग्रेस ने बुधनी से विक्रम मस्ताल, आष्टा से प्रसपा से कांग्रेस में शामिल हुए कमल सिंह चौहान और सीहोर से युवा शशांक सक्सेना को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने इछावर विधानसभा से अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।